Hey guys, welcome back to another video. So guys, आज की इस वीडियो के अंदर मैं बात करने जा रहा हूँ कुछ FPS शूटिंग गेम्स के बारे में। गाइस मेरे पास काफी टाइम से कमेंट आ रहा था कि भाई कुछ न्यू FPS शूटिंग गेम लेकर आओ, तो गाइस फाइनली वीडियो लेकर आ चुका हूँ। अब बोलोगे और मैं नहीं सुनूंगा तो भाई कैसे चलेगा। तो इस वीडियो को इन तक जरूर से देखना, और इस वीडियो के अंदर जो जो गेम बताने वाला हूँ सारे गेम का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे, तो जाके एक बार चेकआउट कर सकते हैं। इस वीडियो के अंदर मैं आपको 5 नहीं बल्कि 10 गेम बताने वाला हूँ, कुछ बोनस गेम भी बताऊंगा। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अभी तक आप लोगों ने लाइक नहीं किया है तो भाई लाइक कर सकते हो, और चैनल पर बड़े तो सब्सक्राइब कर देना ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो और भी देखने के लिए। तो चलो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स बिगिन। एंड गाइस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं एक बात आप लोगों को बोलना चाहूंगा। देखो फ्री फायर, पबजी मोबाइल, बीजीएमआई, कॉल ऑफ ड्यूटी ऐसे जो गेम है ना, पॉपुलर गेम है, उसके बारे में तो आप लोगों को पता ही है। तो मैंने उस गेम को यहाँ पर इस वीडियो के अंदर ऐड नहीं किया है। जो जो न्यू गेम्स या फिर जिसके बारे में आप लोगों को पता नहीं है, मैंने उस गेम को यहाँ पर ऐड किया है ताकि आप लोगों को और भी काफी सारे गेम के बारे में पता लगे। तो भाई किसी भी बंदे यहाँ पर कॉमेंट मत करना कि भाई आपने फ्री फायर क्यों नहीं ऐड किया, या फिर कॉल ऑफ ड्यूटी या फिर बीजीएमआई को क्यों नहीं ऐड किया। तो मैं देखो उसके बारे में सब लोगों को पता है ऑलरेडी, तो इसलिए मैंने ऐड नहीं किया है। तो चलो गाइस वीडियो स्टार्ट कर देते हैं। सो गाइस हमारे लिस्ट में नंबर 10 पर जो गेम है इसके नाम है राइज ऑफ डेमॉन्स FPS। दोस्तों ये बेसिकली एक ज़ॉम्बी फाइटिंग गेम होने वाली है। आपके पास काफी सारे ज़ॉम्बीज वगैरह आपको देखने को मिल जाएगा, काफी सारे मॉन्स्टर डेंजरस क्रिएचर्स आएंगे, तो उसके साथ यहाँ पर आपको फाइटिंग करना पड़ता है। बेसिकली एक सर्वाइवल शूटिंग गेम होने वाली है। यहाँ पर देखो आपके पास एक स्नो एरिया देखने को मिल जाएगा, माउंटेन जो एरिया होती है वो देखने को मिल जाएगा, एंड काफी कुछ डरावनी जो लोकेशन है वो आपको देखने को मिल जाती है। अल्ट्राइज्ड ग्राफिक्स आपको देखने को मिल जाएगा, समझ रहे हो भाई, काफी बढ़िया ग्राफिक्स देखने को मिल जाती है। लेकिन गेम का जो साइज है ना वो 300 MB के आसपास होने वाली है, समझ रहे हो भाई, 300 MB के आसपास साइज है। लेकिन गेम को ग्राफिक्स देखो एक बार, आपको काफी मजेदार ग्राफिक्स है, एंड आपके पास काफी सारे वेपन होने वाली है, उस वेपन को यहाँ पर अपग्रेड कर सकते हो। स्नाइपर गन भी होने वाली है, जो एसॉल्ट वगैरह वो भी होने वाली है, पिस्तौल होने वाली है, तो काफी ज्यादा मजेदार गेम होने वाला है। एंड इस गेम के बीच बीच में जो है ना यहाँ पर आपको कटसीन एनिमेशन वगैरह भी देखने को मिल जाती है, तो चाहो तो एक बार ट्राई कर सकते हो, लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे। तो चलिए मेरे भाइयों अब बात करते हैं नंबर 9 गेम के बारे में। तो नंबर 9 पर जो गेम आ रही है इसके नाम है वायर आफ्टर। गाइस इस गेम के बारे में शायद आप लोगों को पता ही होगा, जिसको पता नहीं है भाई सुन लो यार, काफी बढ़िया गेम होने वाली है। अल्ट्राइज्ड ग्राफिक्स को मिल जाती है, ऐसा लगता है कि मैं पीसी गेम खेल रहा हूं। लेकिन गेम का जो साइज है ना वो सुनो भाई, सबसे पहले 300 MB गेम का साइज होने वाली है। 300 MB के अंदर आपको इतने सारे फीचर्स मिल रहे हैं। गेम जो है ना पूरी तरीके से ऑनलाइन है। यहाँ पर आपको डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन देखने को मिल जाती है, 4+ मैप देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आपके पास सारे के सारे गन होने वाली है, जैसे कि स्कारल हो गया, M4 हो गया, एसॉल्ट गन, स्नाइपर गन, पिस्तौल वगैरह सब कुछ होने वाली है। एंड आपके पास जो वेपन्स है ना उसको आप यहाँ पर अपग्रेड भी कर सकते हो, तो भाई और क्या चाहिए। एंड यहाँ पर कोई भी TPV मोड देखने को नहीं मिलता है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ APV मोड देखने को मिल जाती है। स्मूथ गेम प्ले चलता है भाई, कोई भी लैग वगैरह नहीं करता है। अगर आपके पास 1GB छोड़ो यार, 2GB या फिर 3GB की डिवाइस है, तो भाई सब लोग आराम से ट्राई कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं होता है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं नंबर 8 गेम के बारे में। तो नंबर 8 जो गेम है इसके नाम है रेड ट्रैक सर्वाइव डेमॉन्स। दोस्तों ये जो गेम है ना बेसिकली सर्वाइवल शूटिंग गेम होने वाली है। इसका भी ग्राफिक्स आप देख सकते हो स्क्रीन पर, काफी बढ़िया ग्राफिक्स है। यहाँ पर दोस्तों डे होता है, नाइट होता है, यहाँ पर बारिश वगैरह हो जाती है, ये मतलब कोई भी ऐसे गेम के अंदर नहीं होता है। लेकिन इस गेम के अंदर आपको डे नाइट दोनों मोड देखने को मिलेगा, एंड बारिश वगैरह हो जाती है, बहुत अच्छी तरीके से बारिश होता है, ठीक है। यहाँ पर आप स्क्रीन के ऊपर देख भी सकते हो, सर्वाइव करने को मिलता है। यहाँ पर बेसिकली आपके पास काफी सारे एनिमीज वगैरह आएंगे, काफी सारे एनिमल्स आएंगे, उसके बाद पर आपको फाइटिंग करना पड़ता है। आप यहाँ पर जो वेपन वगैरह उसको आप कलेक्ट कर रहे हो, फूड वगैरह कलेक्ट कर रहे हो, यहाँ पर आप सर्वाइव कर रहे हो, ठीक है। एंड जो डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन है उसको यहाँ पर आप एक्सप्लोर करते जा रहे हो, एंड आपके पास काफी सारे प्लेयर और भी है, आप रियल प्लेयर के साथ यहाँ पर फाइटिंग कर सकते हो। आप चाहो तो अपने मल्टीप्लेयर मोड भी खेल सकते हो, तो काफी मजेदार गेम होने वाली है। बात करते इस गेम की साइज के बारे में, तो साइज होने वाली है 500 MB, तो काफी मजेदार गेम है, चाहो तो एक बार ट्राई कर सकते हो, लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं नंबर 7 गेम के बारे में। नंबर 7 पर जो गेम है इसके नाम है बैटल प्राइम। जो गाइस इस गेम के बारे में शायद आप लोगों को पता ही होगा, इस गेम का साइज थोड़ा सा ज्यादा होने वाली है, 1.6 GB गेम का साइज होने वाली है। गेम पूरी तरीके से ऑनलाइन है, ये बेसिकली एक थर्ड पर्सन शूटिंग गेम होने वाली है। लेकिन यहाँ पर आप APV मोड को भी खेल सकते हो। देखो यहाँ पर काफी सारे कैरेक्टर होता है, आप किसी भी कैरेक्टर को चूज कर सकते हो, एंड उसको लेकर यहाँ पर आप मैच वगैरह खेल सकते हो। एंड ये जो गेम है ना बिल्कुल पबजी PC की तरह होने वाली है। आपको पता होगा पबजी PC अगर आपने देखा है तो भाई सेम टू सेम ग्राफिक्स आपको देखने को मिल जाती है, कमाल की ग्राफिक्स होने वाली है, ठीक है। स्मूथ गेम प्ले चलता है भाई, देखो इतना अच्छा ग्राफिक्स है, लेकिन कोई भी
लैग वगैरह नहीं करता है। अगर आपके पास 2GB या फिर 3GB या फिर 4GB रैम की डिवाइस है तो गाइस आराम से डाउनलोड करो, खेलो, कोई भी दिक्कत नहीं है, कोई भी लैग नहीं करता है। यहाँ पर आपके पास काफ़ी सारे गन होने वाली, स्नाइपर होने वाली है और भी काफ़ी सारे जो एसॉल्ट वगैरह होती है, M4 स्कारल जो पिस्तौल वगैरह होती है वो आपको देखने को मिल जाएगा। उसके यहाँ पर आप अपग्रेड भी कर सकते हो, उसका जो स्किन वगैरह वो आप चेंज कर सकते हो। एंड आपके पास एक ओपन वर्ल्ड लोकेशन होने वाली है, यहाँ पर आप रियल प्लेयर के साथ मैच भी खेल सकते हो। तो भाई और क्या चाहिए, काफ़ी मज़ेदार गेम है, चाहो तो एक बार ट्राई कर सकते हो, लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे। तो चलिए मेरे भाई अब बात करते हैं नंबर 6 गेम के बारे में। तो नंबर 6 पर जो गेम है इसके नाम है एयरफेस गो। तो ये जो गेम है ना बेसिकली बहुत ही पुराना गेम होने वाली है, काफ़ी टाइम पहले प्ले स्टोर पर जो गेम है ना आ चुका था, लेकिन अभी तक आप लोगों ने ट्राई नहीं किया है। तो भाई क्या कर रहे हो, देखो इस गेम के अंदर आपको 7+ मैप देखने को मिल जाएगा, 4+ गेम मोड देखने को मिल जाती है। यहाँ पर आप P vs P खेल सकते हो, 6 vs 6 खेल सकते हो, क्लासिक मोड खेल सकते हो, टीम डेथ मैच खेल सकते हो और भी काफ़ी कुछ मोड आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आपके पास 200+ वेपन होने वाली है, उस वेपन को यहाँ पर आप कस्टमाइज भी कर सकते हो। यहाँ पर जो कंट्रोल है ना वो बिल्कुल पबजी की तरह होने वाली है, एंड पबजी की तरह यहाँ पर जो कंट्रोल है उसको आप कस्टमाइज भी कर सकते हो। एंड आपके पास जो कैरेक्टर है उस कैरेक्टर को आप कस्टमाइज कर सकते हो। यहाँ पर आप रियल प्लेयर के साथ मैच खेल सकते हो, मान के चलो आपका जो फ्रेंड है उसके साथ यहाँ पर आपको मल्टीप्लेयर खेलना है तब भी दोस्तों आप खेल सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। इस गेम का साइज थोड़ा सा ज्यादा होने वाली है, 2GB के आसपास गेम का साइज होने वाली है। गेम पूरी तरीके से ऑनलाइन है, तो चाहो तो एक बार ट्राई कर सकते हो, लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं नंबर 5 गेम के बारे में। तो नंबर 5 पर जो गेम है इसका नाम है ब्राइट मेमोरी मोबाइल। दोस्तों अगर आपको स्टोरी मोड वाला जो शूटिंग गेम खेलना है तो सब लोग इस गेम को एक बार ट्राई कर सकते हो। यहाँ पर आपको काफी बढ़िया एक स्टोरी मोड देखने को मिल जाती है, एंड जो फाइटिंग होती है ना भाई तगड़ा फाइटिंग आपको देखने को मिलेगा। देखो भाई यहाँ पर बेसिकली आप स्टोरी मोड पर खेलोगे ना तो भाई स्टोरी मोड को जैसे जैसे आगे बढ़ोगे तो कैसे आपके सामने काफी सारे एनिमल्स, मॉन्स्टर एंड डेंजरस क्रिएचर्स आएंगे, उसके साथ यहाँ पर आपको फाइटिंग करना पड़ता है। एंड आपके पास काफी सारे अजीबो गरीब वेपन्स होने वाली है, एंड उस वेपन को यहाँ पर आप अपग्रेड भी कर सकते हो। एंड आपके पास जो कैरेक्टर है ना उस कैरेक्टर को फुल कस्टमाइज कर सकते हो, मतलब A to Z आप कस्टमाइज कर सकते हो। एंड जो गेम का ग्राफिक्स है ना भाई ये मुझे काफी बढ़िया लगा, मेरे को तो भाई बहुत ज्यादा पसंद आया था। देखो यहाँ पर जो PC के ग्राफिक्स होते हैं ना सेम टू सेम भाई ऐसा ग्राफिक्स आपको प्रोवाइड कर रहे हैं मोबाइल फोन के अंदर, तो भाई और क्या चाहिए। एंड इस गेम का साइज होने वाली है 700 MB। जो गेम है पूरी तरीके से ऑनलाइन है, लेकिन एक प्लस पॉइंट है कि ये जो गेम है पेड है प्ले स्टोर के अंदर, लेकिन आप लोग टेंशन मत लो, इसका लिंक मिल जाएगा कमेंट सेक्शन पे जाके चेकआउट कर सकते हो। तो चलो गाइस अब बात करते हैं नंबर 4 गेम के बारे में। तो चलिए मेरे भाई अब बात करते हैं नंबर 4 गेम के बारे में। तो नंबर 4 पर जो गेम है इसके नाम है एलीट स्ट्राइक। दोस्तों ये जो गेम है ना मेरे को बहुत ही ज्यादा पसंद आता है। देखो यहाँ पर आपको फ्री फायर की तरह ग्राफिक्स देखने को मिल जाती है। अगर आपको फ्री फायर गेम खेल के बोर हो चुके हो या फिर आपको खेलना है फ्री फायर की तरह कोई और गेम तो गाइस आप लोग इस गेम को एक बार ट्राई कर सकते हो। यहाँ पर सेम टू सेम कॉन्सेप्ट होने वाली है, यहाँ पर आपको एबीपी मोड देखने को मिल जाती है, P vs P मोड होने वाले, टीम डेथ मैच आप खेल सकते हो, TDM वगैरह आप खेल सकते हो। यहाँ पर आपके पास काफी सारे लोकेशन होने वाली जो बिल्कुल फ्री फायर की तरह लोकेशन होने वाली है, कार्टून एनिमेशन आपको काफी बढ़िया देखने को मिल जाती है। एंड यहाँ पर जो कंट्रोल्स है ना वो बिल्कुल फ्री फायर की तरह कंट्रोल है, यहाँ पर आप कंट्रोल को कस्टमाइज भी कर सकते हो, तो भाई और क्या चाहिए, काफी बढ़िया गेम है। लेकिन इस गेम का जो साइज है ये थोड़ा सा ज्यादा होने वाली है, 1.3GB गेम का साइज होने वाली है। गेम पूरी तरीके से ऑनलाइन है, तो चाहो तो एक बार ट्राई कर सकते हो, लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। सो गाइस बात करते हैं नंबर 3 गेम के बारे में। तो नंबर 3 पर जो गेम है इसके नाम है अल्टीमेट बैटल स्ट्राइक। दोस्तों अगर आपके पास एक लो एंड डिवाइस है, मतलब 1GB या फिर 2GB की डिवाइस है तो गाइस ये गेम आपके लिए होने वाली है, क्योंकि दोस्तों इस गेम का साइज बहुत ज्यादा कम होने वाली है, 75MB गेम का साइज होने वाली है। गेम पूरी तरीके से ऑफलाइन है, लेकिन जो गेम है ना ये आपको काफी बढ़िया देखने को मिल जाती है। अगर आपके पास 1GB 2GB या फिर छोटा मोटा डिवाइस है ना जिस पर लैग वगैरह करती है बड़े बड़े गेम, तो गाइस उस मोबाइल पर आप लोग इस गेम को ट्राई कर सकते हो। यहाँ पर कार्टून एनिमेशन बहुत ही कमाल की देखने को मिल जाती है, एपीवी मोड आपको देखने को मिल जाएगा, एक स्टोरी मोड होने वाली है, एंड जो गेम का ग्राफिक्स है वो आपको काफी बढ़िया देखने को मिल जाएगा। एंड सारे के सारे गान यहाँ पर अवेलेबल है, आप किसी भी गान को ले सकते हो, एंड उस वेपन को यहाँ पर आप अपग्रेड भी कर सकते हो। तो भाई और क्या चाहिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे जाके एक बार चेकआउट कर सकते हो। सो गाइस अब बात करते हैं नंबर 2 गेम के बारे में। तो नंबर 2 पर जो गेम है इसके नाम है बैटल फोर्सेस गन गेम्स। दोस्तों ये जो गेम है ना ये भी काफी कमाल की गेम होने वाली है। इस गेम का साइज होने वाली है 350MB। जो गेम है पूरी तरीके से ऑनलाइन है, यहाँ पर आपको पबजी की तरह TDM मोड देखने को मिल जाती है, मतलब P vs P मोड देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आप रियल प्लेयर के साथ फाइटिंग कर सकते हो, आप चाहो तो यहाँ पर मल्टीप्लेयर भी खेल सकते हो अपने फ्रेंड के साथ, ठीक है। यहाँ पर आपको डिफरेंट लोकेशन देखने को मिल जाती है, गेम का जो ग्राफिक्स है ना वो आपको काफी बढ़िया देखने को मिल जाएगा। आपके पास यहाँ पर 5+ कैरेक्टर होने वाली
वाले आप किसी भी कैरेक्टर को चूज कर सकते हो एंड उसको फुल कस्टमाइज भी कर सकते हो। यहाँ पर आपके पास एसफॉल्ट गन होने वाली, स्नाइपर होने वाली, पिस्तौल होने वाली है और भी काफी सारे वेपन आपको देखने को मिल जाती है। एंड आपका जो गन वगैरह है उसको यहाँ पर आप अपग्रेड भी कर सकते हो। स्मूथ गेम प्ले चलता है, कोई भी लैग वगैरह नहीं करता है, तो चाहो तो एक बार ट्राई कर सकते हो। ये काफी कमाल की गेम है, मैंने इसको खेला है, यहाँ पर आप गेम प्ले भी देख सकते हो, काफी बढ़िया गेम है, चाहो तो एक बार ट्राई कर लेना, लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं नंबर वन गेम के बारे में। तो नंबर वन पर जो गेम आ रही है इसके नाम है एरिना ब्रेकआउट। दोस्तों इस गेम के बारे में कौन नहीं जानता, ये जो गेम है ना बेसिकली अभी तक आया नहीं है, मतलब प्रॉपरली रिलीज नहीं हुआ है, ठीक है। इसका बेटा वर्शन कभी कभी आता है एंड कभी कभी चले जाते हैं। तो गाइस अगर ये बेटा वर्शन अभी मतलब है, अवेलेबल है, तो गाइस आप लोग इस गेम को एक बार ट्राई कर सकते हो। इस गेम के अंदर आपको काफी बढ़िया ग्राफिक्स देखने को मिलेगा, मतलब पबजी पीसी की तरह ग्राफिक्स आपको देखने को मिल जाती है। यहाँ पर आपको एपीवी मोड देखने को मिल जाएगा, बिल्कुल पबजी की तरह होने वाली, सेम टू सेम पबजी का कॉन्सेप्ट है, आप कॉपी भी बोल सकते हो, ठीक है। गाइस इसके जो डेवलपर है ना इसका नेम है टेंसेंट। तो गाइस टेंसेंट जो गेमिंग है आपको तो पता ही होगा, जो भी गेम निकलता है कुछ ना कुछ अच्छा गेम ही होता है। तो गाइस इस गेम को आप लोग ट्राई कर सकते हो एंड यहाँ पर आप गेम प्ले वगैरह देख सकते हो, काफी बढ़िया ग्राफिक्स आपको देखने को मिल जाएगा। एंड इस गेम का साइज थोड़ा सा ज्यादा होने वाली है, 1.80 GB गेम का साइज होने वाली है, गेम पूरी तरीके से ऑनलाइन, तो चाहो तो एक बार ट्राई कर सकते हो, लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे। तो गाइस यही था आज की वीडियो, आई होप कि आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आ चुकी है। इस तरीके से वीडियो और भी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, साइड पे बेल बटन है उसको प्रेस करके ऑल पे सेलेक्ट कर देना। तो चलो यार मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अच्छे रहना, ख्याल रखना, बाय बाय।